नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आम्रपाली दुबे और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। टीम के माध्यम से एक अच्छा प्रोडक्शन या एक अच्छी लाइन देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग देखने जाएंगे तो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा व्यूअर्स अगर हैं तो भोजपुरी के हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि अश्लीलता या यही चीज़ें होती हैं। हमारे पिक्चर के माध्यम से हम निश्चित रूप से ये संदेश भी देंगे कि बगैर उसके भी एक बहुत अच्छी भोजपुरी पिक्चर बनाई जा सकती है। जी, फिल्म के स्टारकास्ट में हमारे पैरेलल दो हीरो हैं, अजय जी दीक्षित हैं, अंकित जी राठी हैं और भाविका निकम हैं। एक एक्ट्रेस हमारी आज नहीं है यहाँ पर, और स्वाती पानसरे जी हैं, और कुछ एक दो कैरेक्टर से हम लोगों की सुरेंद्र पाल जी हैं, उनसे बातचीत चालू है। जैसा कि आपने कहा कि मेरा टारगेट है चार फिल्में बनाने की, तो चारों फिल्म अलग अलग लैंग्वेज में रहेगी कि सेम? हाँ जी, पहली मराठी में हो चुकी है, दूसरी भोजपुरी की है, तीसरी हिंदी का है जी सर, चौथा देखिए किधर जाते हैं, लेकिन पक्का है अलग लैंग्वेज में रहेगी। ओरिजिनल ही रहेगा? हाँ जी, ओरिजिनल लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट फिल्म है? नहीं, मेरी सेकेंड फिल्म है। मैं इससे पहले भी एक और फिल्म में काम कर चुका हूँ, थ्री स्टोरीज थी, और मेरा जी हमारे रिलेटिव है, उन्होंने कुछ मंथ पहले मुझे कॉल किया था, उनकी एक फिल्म ऑलरेडी बन चुकी थी, तो उन्होंने कॉल किया और मुझे बताया कि ये स्टोरी है और वो चाहते कि मैं उन्होंने सुन लिया, बस मैंने अभी स्क्रीन टेस्ट किया। बड़ा पीस है, मैं रायपुर से। मेरा किरदार राज का, हाँ मेरा किरदार राज का रहेगा, जिसमें हमारे साथ एक और लीड में एक्टर है, तो इसमें राज का किरदार ऐसा है कि राज थोड़ा हैप्पी गोइंग लकी लड़का है और कॉलेज की लव स्टोरी है, तो उसका थोड़ा फन पार्ट रहता है फिल्म में, और इससे ज़्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मुझे भी अभी पता चला, बट काफ़ी फन कैरेक्टर है। क्या आपको भोजपुरी आती है या इस फिल्म के लिए आप सीखने वाले? नहीं, इस फिल्म के लिए ट्रेनिंग चल रही है, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। तो क्या क्या सीखा है कुछ बताना? मुझे पता था आप ये पूछेंगे, पर मैं जब तक अच्छे से भोजपुरी नहीं बोल सकता तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं फनी साउंड करूँगा, और अभी जस्ट स्टार्ट किया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है तो मैं प्रोनाउंसिएशन पर वर्क कर रहा हूँ, तो लेट्स सी। और अब आप भोजपुरी फिल्में करने वाले हैं, तो भोजपुरी एक्टर्स के बारे में भी आपने जाना होगा, भोजपुरी फिल्मों के बारे में जाना होगा, देखते हैं आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं अभी तक ज़्यादा भोजपुरी का देखा नहीं, कुछ कुछ सीन्स के थ्रू मुझे पता है, एक्शन सीन्स के लिए मैं देखता हूँ और एक्शन सॉन्ग्स के लिए देखता हूँ, तो इससे ज़्यादा मुझे भोजपुरी फिल्म का नॉलेज नहीं है, बट इवेंचुअली अभी मैंने साइन किया तो मैं और पढ़ूंगा और देखूंगा किस तरीके से। हमारे वर्कशॉप होंगे एक्चुअली, आज ही हमारी बात हुई, पाँच छः दिन के वर्कशॉप लेंगे, क्योंकि तीन चार कैरेक्टर शायद मुंबई से ही जा रहे हैं, तो उसकी ट्रेनिंग आज एक बार हम भोजपुरी स्टार्ट कर लें लाइन में, फिर उसके बाद क्या ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि शूटिंग कब से होगी, तो मैं एक ही, मेरे जितने ही कास्ट है उनको भी मैंने एक ही उत्तर दिया है कि शूटिंग की डेट थोड़ी बहुत भला से आगे पीछे है, लेकिन 30 जून 2019 को पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, और पूरी शूटिंग जो है वो महाराष्ट्र में ही अपने जो मेरा होम टाउन है खामगांव, वहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में आता है, आपके भुसावल के आगे में आता है, पूरे सारे लोकेशंस वहाँ के हैं, मैं वहाँ का होने की वजह से सभी लोकेशंस वगैरह वहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपर सर्च किए, सबका वहाँ पर मुझे कोऑपरेशन मिल रहा है, वहाँ के भी लोग काफ़ी उसमें दे रहे हैं। रोलिंग, ओके। ये विचार जो है मेरे डायरेक्टर सुमित धुमाले है, जैसे ही उसको कुछ दिनों पहले पता चल गया था कि मेरा आज का जन्मदिन है, तो उसने उसी दिन इसको लॉक कर दिया था कि हम आज ही के दिन इसका मुहूर्त करेंगे और आज से ही चालू करेंगे। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे लिए इतनी बढ़िया उसने मेरे को ये तोहफा दिया है मेरे जन्मदिन के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, आपकी एक नई फिल्म का मुहूर्त किया जा रहा है, फिल्म के
बारे में बताइए। फिल्म जो है जिसके प्रोड्यूसर हैं बारिश का मुहूर्त है, हमारे एक्ट्रेस हैं वो आर्टिस्ट बारिका एंड इंदू जी गाने गा रही हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट है, मजा आ रहा है। जी, और क्या किरदार होगा इस फिल्म का? मेरा जो टाइटल मीन्स जो टाइटल है धर्मराज, उसमें धर्म का जो किरदार मैं कर रहा हूँ। भाविका, ये शायद आपकी पहली फिल्म है, आप कितने एक्साइटेड हैं और कितने नर्वस हैं? एक्साइटेड भी बहुत हूँ और नर्वस भी बहुत हूँ। दोनों क्या है तो, बट हाँ ये है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट फिल्म मिलेगा देखने के लिए जो है, तो डेफिनेटली आप पिक्चर देखिए और अगर पिक्चर अच्छी हो तो सबको बताइए देखने के लिए जो, बिकॉज कि अभी जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है टाइम, बिकॉज अभी ऑडियंस भी खुशी हो रही है और जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे मेकर्स आ रहे हैं जो है, तो आई थिंक सो जो भी भोजपुरी का लेवल है वो डे बाई डे ऊपर जाएगा, पहले से अच्छा था और अच्छा जाएगा जो है, और अच्छी मूवी करना चाहिए और अगर अच्छी मूवी है कराइए उसको देखिए। थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग की आपने कुछ बताना चाहेंगी? उनका नाम धर्मराज, आज मेरा सॉन्ग था, गा के बहुत अच्छा लगा, म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिक्स राइटर शेखर मधुर जी हैं, और मेरी ओर से इस फिल्म के सभी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, चाहूँगी कि फिल्म तो अच्छे होंगे ही। कलाकार है हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री से चुनावी माहौल में आए हैं, चुनावी दंगल में आए हैं, मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि वो जीते और पूरी तरह से जीते। बिल्कुल, अभी मैं एक गाना चाहूँगी जो अभी आज रिकॉर्ड हुआ है, तो लाइन गाती हूँ तो उसमें दिमाग होता रहता है। हाँ, क्या अच्छा सॉन्ग है, मुझे गा के बहुत मज़ा आया जी। अच्छा, कुछ बताना चाहेंगे? और आज धर्मराज फिल्म का नाम है भोजपुरी मूवी धर्मराज। थैंक यू। फिल्म के बारे में बताइए, फिल्म है क्या? ये धर्मराज फिल्म है टोटल एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, हमें हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है इसको बनाने के लिए कि हम कुछ दिखाना चाहते हैं या कुछ समाज सुधार का काम करना चाहते हैं, वो काम तो सारे लोग कर रहे हैं। जी सर, सारे जो फिल्म बना रहे हैं कुछ ना कुछ मोटिव लगा, हम ये चाह रहे हैं कि एक फिल्म देख के दर्शक आए और बोले हाँ अच्छा एक ढाई घंटा एंटरटेनमेंट हो गया हमारा, इसलिए हम। सर, आपके शब्दों में अगर कुछ बताना चाहें? धर्मराज एक ऐसा कमर्शियल स्टोरी है पूरा, जो कि हर गांव में हर शहर में वो मतलब वो दिख जाता है, उस हिसाब से वो उसको हमने डालने की कोशिश की है। जैसे कि जो साउथ की फिल्में होती है उसका थोड़ा सा हमने उसको फ्लेवर दिया है। ये जिस फिल्म में हमने वो सब चीज़ें ली कि जिसमें सब जो भी दर्शक फिल्म देखने के लिए जाएगा, जिसे लव स्टोरी चाहिए वो लव स्टोरी उसको मिलेगा, जिसको एक्शन चाहिए उसे एक्शन मिलेगा, जिसको इमोशन चाहिए उसे इमोशन मिलेगा, फुल एकदम मसाला मूवी को हमने बहुत बहुत अच्छी कॉमेडी मिलेगी आपको बीच में। और धर्मराज एक दो भाइयों की कहानी है जो बिछड़ गए हुए हैं कुछ परिवार के तंगी के कारण, उसके बाद वो लोग फिर वापस कैसे मिलते हैं, फिर मिलके कैसे गांव में जाते हैं और गांव में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो आतंक है लोगों का, उसको कैसे खत्म करते हैं, उसके ऊपर है धर्मराज। नया हीरो नहीं कह सकते उसे, अजय जी हैं और अंकित राठी है, उन्होंने भी अभी एक फिल्म की है और बहुत अच्छा एक्टर। देखिए, हर आदमी एक दिन नया होता है, मैं भी आज नया हूँ, मेरी फर्स्ट मूवी है एज अ डायरेक्टर, सुमित के साथ में मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, जैसे हमारी केमिस्ट्री अच्छी है ऐसे हमारे हीरो की केमिस्ट्री अच्छी हो गई है, एक चार पाँच दिन से दोनों साथ में हैं, बातें कर रहे हैं, उससे अच्छी हो गई केमिस्ट्री दोनों की। हर आदमी एक दिन नया होता है, अजय जी भी कभी नए थे या जितने भी बड़े हमारे सुपर स्टार हैं भोजपुरी में कभी नए थे, बस बात यह है कि अपनी प्रतिभा को सामने कैसे लाया जाए, जब जब तक उनको मौका नहीं मिलेगा तब तक प्रतिभा सामने नहीं आएगी। हमारी दोनों हीरो ने भी
भोजपुरी के लिए नहीं है, लेकिन अच्छी है, स्वभाव अच्छा है उनका, एक्टर अच्छी है, अच्छी डांसर है, तो फुल एक मसाला पैक है, देखते हैं आगे। फिल्म की शूटिंग कब से शुरू की जाएगी और लोकेशंस के बारे में? फिल्म की शूटिंग तो कब से शुरू होंगी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हमको 30 जून तक फिल्म खत्म करनी है। और इसका लोकेशन है खामगांव, नागपुर के पास है, महाराष्ट्र में हम लोग वहाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छे सुंदर लोकेशन है। म्यूजिक किस फिल्म के दो म्यूजिक डायरेक्टर हैं? जैसे हम दो हैं, हमारे हीरो दो हैं, हमारे हीरोइन दो हैं, ऐसे हमारे म्यूजिक डायरेक्टर भी दो हैं, तो एक बुद्धादित्य जी हैं और एक है शेखर जी, जो शेखर जी लिरिक्स राइटर हैं लेकिन अब वो म्यूजिक भी दे रहे हैं, तो काफ़ी अभी आपने सुना है काफ़ी कर्णप्रिय अच्छा आइटम सॉन्ग था अभी जो रिकॉर्ड हुआ इंदू जी की आवाज़ में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.